जनरेशन गैप का जो बात कर रहे हैं ना आप लोग, ये सरासर गलत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम तब से आज तक हर हफ्ते में 200 करते हैं और शो करते हैं आपके जैसा ऐसा टीनेजर सब पब्लिक के बीच में। तो वो टीनेजर पब्लिक जब आके रिक्वेस्ट करते हैं, तेरे उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ये गाना गाइए या दिल का क्या कसूर गाइए, कसूर गाइए या सड़क गाइए, तब पता चलता है कि इनके दिल में कहीं ना कहीं हम लोग बैठे हुए हैं। तो जनरेशन गैप कहाँ से हुआ भैया, हम तो दिल्ली के अंदर ही है। इट्स अ म्यूजिकल गैप, आप जो कहना चाह रहे हैं, इट्स नॉट अ जनरेशन गैप। आज भी हम लता जी को, किशोर दा को सुनते हैं। अरे कितना शो तू करता है, कितना शो हम करते हैं, बिल्कुल क्या मालूम। मेलेडी जो है वो 50 साल तक ऐसी चलेगी। पब्लिक में ये डिमांड नहीं होती तो हम शो पब्लिकली शो कैसे करते। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग शो कर रहे हैं, तो हमारे जो डिमांड है, हम जो इतना पब्लिक हजार हजार लाखों लाखों लोगों के सामने जाके परफॉर्म करते हैं, तो वो किस लिए बुला रहे हैं। अगर हमारे में इतना गैप आ गया और इतना वो कुछ हो गया, तो फिर हु इज देयर पिक्चर है, हु इज देयर एंड टीनू इज द म्यूजिक डायरेक्टर और हम लोग सब गाना गाए हैं उसमें। तो पेपी नंबर है, थोड़ा सा आज के ज़माने का जो डिमांड है उस हिसाब से गाना बनाया गया। एक्चुअली आइडिया हु इज देयर का तो नहीं था, आइडिया मेरे सब्जेक्ट का था। पूरी फिल्म मैक्सिमम हम लोगों ने सब्जेक्ट पे काम कर लिया और जब सब्जेक्ट पर पूरा काम होने के बाद जब टाइटल हमने सोचा, तो हुज़ देयर के सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो तब मुझे मजबूरी में हुज़ देयर कौन है वहाँ इस टाइटल को देना पड़ा। नेगेटिव पॉजिटिव तो किसी का भी नहीं है, हालात कुछ ऐसे हैं, स्लाइटली ग्रे हीरो, यू कैन से ग्रे शेड हीरो कैरेक्टर। सबसे पहले इसका म्यूजिक, उसके बाद इसका सब्जेक्ट और इसके बाद इसकी मेकिंग और इसका स्पेशल इफेक्ट्स, ये सब इसका यूज़ भी है। मेरा कैरेक्टर एक मुस्कान लड़की है जो सीधी है, बोली है, लड़के से प्यार करती है और परिवार के दबाव में शादी कहीं और हो जाती है और उसके बाद हादसे शुरू हो जाते हैं और वही सस्पेंस है जो अभी बता नहीं सकती। फिल्म बेसिकली एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसको हमने रोमांटिक लव स्टोरी का टच दिया हुआ है, जो मिस्टर राजवीर सिंह के जो हमारा हीरो है उसके लाइफ के अतराब घूमती है और सडनली एक बहुत ही मीठा टच लेती है और वहाँ से ये बिल्कुल अलग एंगल में चली जाती है। लेकिन आई होप कि पीपल वुड एंजॉय इट। आप फिल्म देखेंगे तो ऐसा कौन सा पॉइंट नहीं है जो इस फिल्म देखने नहीं आएंगे। आज के लोगों को जो मसाला चाहिए वो सब चीज़ें हैं। म्यूजिक अच्छा है, फिल्म अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, एक्ट्रेस तो लोग तय करेंगे। हमने अपनी तरफ से 100% काम किया है, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, सारे सिंगर आप लोगों ने देखे हैं, गाने बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल से एक फिल्म में जो सारे मसाले हों